He's going for it. Oh, wow. That Dodge Charger just pulled off that play and broke some legs on the cops yet again. Was that an NFL joke? Hello, everybody. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंबशन इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक इंजन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक इंजन का क्या क्या फॉर्म्स है. और हमारा आज का मेन गोल है इलेक्ट्रिक इंजन का बैड साइड देखना है. और हम लोग देखेंगे कि इतना कि उसमें बुराइयाँ होने के बाद भी गवर्नमेंट उसको क्यों प्रमोट करती है अक्रॉस द ग्लोब ये देखने को मिला. तो कंबशन इंजन होता क्या है? कंबशन इंजन बेसिकली होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कि कोई फ्यूल किसी भी स्टेट में यूज़ करना, उसका कंबा यानी जलाना, और फिर जो जलाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उससे एक हमारा मैकेनिकल यानी कि जो केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में लेके जाना. तो ये काम कैसे करता है, जैसा हमारे को फोटो में दिख रहा है, जो ये हमारा है इसको हम लोग इनलेट वाल्व कहते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड. ये इनलेट वाल्व ओपन होता है तो ये सिलेंडर है, जैसे हमारा V4 होता है ना, तो उसमें ऐसे चार सिलेंडर्स होते हैं, V8 में ऐसे आठ सिलेंडर्स होते हैं. तो हम लोग पहले एक सिलेंडर को समझते हैं क्या करता है. तो जैसे ही हमारा इनलेट मैनिफोल्ड से वेपर स्टेट में जो फ्यूल है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, उसका वेपर स्टेट आता है, तो वो इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता है. फिर ये कनेक्टिंग रॉड के कारण ये क्रैंक जो है, क्रैंक शाफ्ट और ये क्रैंक, ये गोल घूमता है और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर ऊपर जाता है. जैसे ही ऊपर जाता है, जितना भी हमारे पास वेपर स्टेट में ये फ्यूल था वो सारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर आ जाता है. और इसके ऊपर आते ही स्पार्क प्लग जो है वो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है इसके ऊपर आते ही. तो जिसके बाद एक छोटा सा स्पार्क या एक्सप्लोजन, बेटर वर्ड रहेगा, एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत सारा हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण पिस्टन दोबारा से नीचे की तरफ पुश हो जाता है. और इसके पुश होते ही यहाँ पे जो सिलेंडर है इसके अंदर में लो प्रेशर रीजन हो जाता है, जो कि इनलेट मैनिफोल्ड से वेपर स्टेट में दोबारा से पेट्रोल को पुल करता है, वेपर स्टेट का पेट्रोल को. तो और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है. और जो हमारा ये क्रैंक शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है, तो मान लीजिए हमारे पास V4 इंजन, तो V4 इंजन में से चार सिलेंडर हैं, चारों सिलेंडर साथ में नहीं काम करते, सारे अलग अलग टाइम पे काम करते हैं. मतलब एक अलग अलग रेट है सबका, रेट स्पीड सबका सेम रहेगा पर अलग अलग टाइम पे रहता है, मतलब एक नीचे गया दूसरा ऊपर है कोई बीच में ऐसा रहेगा. तो ये क्रैंक शाफ्ट जो होता है ये सबका सिंगल रॉड से कनेक्टेड रहता है, तो वो रॉड कितने बार रोटेट कर रहा है एक सेकेंड में, वही हमारा RPM होता है. अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन. तो इसमें हमारे पास एक बैटरी पैक है और DC कन्वर्टर है. और पहले ये दो देख, तो बैटरी पैक जो होता है इसमें DC करंट जो होता है उसमें हमारा स्टोर होता है, ओके. उसके बाद क्योंकि AC में स्टोर करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमारे पास DC कन्वर्टर होता है. ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लेके जाता है. हाई वोल्टेज भी स्टोर करना चीप पड़ता है, इसलिए हाई वोल्टेज स्टोर होता है. और क्योंकि ये AC नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि हमने AC मोटर पढ़ा था 7th या 8th क्लास में, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आ पाता है, तो इसीलिए हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं. तो उसका कॉन्सेप्ट वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हम लोगों को, इसके कारण जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बहुत एक्सपेंसिव और सेल भी एक्सपेंसिव होता है इसका. अब है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में अभी चार टाइप्स में अवेलेबल है. सबसे पहले कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल्स. ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, दो इंजन होता है, एक होता है कंबशन इंजन और एक होता है छोटा सा इलेक्ट्रिक इंजन. तो कंबशन इंजन नॉर्मल फंक्शन करता है, पर उसमें बहुत सारा कंबशन इंजन जो होता है वो बहुत सारा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि कार के डायरेक्ट यूज़ नहीं आता. सो टू सेव दैट एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक इंजन लगा, बैटरी पैक लगा देते हैं, और वो बैटरी पैक हमारे कार मूव करता है, वो चार्ज होता रहता है. तो हर कार पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर होने पे वो फुल चार्ज होता है. एक बार वो फुल चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक इंजन जो है हमारा, वो फिर उसके बाद से कार अपने आप कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन पे शिफ्ट हो जाता है. तो क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिक इंजन पे शिफ्ट हो गया, फिर जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा वो उसी पे रन करता रहेगा. इसका कॉमन एग्जाम्पल है इंडिया में जो पूरा स्मार्ट हाइब्रिड सीरीज है, नेक्सा जो ऑफर करता है, इसमें सियाज आता है, एसक्रॉस आता है, और क्या आता है, और भी काफ़ी कार्स आते हैं. इसीलिए वो शायद बेटर माइलेज आपको देखने को मिलता है कि मारुति, एक तो लाइट वेट होते ही हैं, उनके कार की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, पर एक ये स्मार्ट हाइब्रिड रीज़न होता है बेटर माइलेज का. फिर होता है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स. इसमें भी दो इंजन होते हैं, एक कंबशन इंजन और एक इलेक्ट्रिक इंजन.
पर इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ नहीं होता। इसमें क्या होता है, दो इनलेट होता है, एक जिससे हम फ्यूल डालते हैं और एक जिससे हम चार्जिंग स्टेशन से बैटरी चार्ज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है शेवरलेट वोल्ट, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया अभी तक। फिर होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होता है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसमें, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, बैटरी है, इंजन है, बैटरी चार्ज करो इंजन चार्ज हो जाएगा और इंजन चलेगा। तो नेक्सॉन और टेस्ला से कॉमन एग्जाम्पल। फिर होता है फ्यूल सेल व्हीकल्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कार है इसमें केमिकल स्टोर्ड रहता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, जैसे हम बाजार से बैटरी लेके आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। केमिकल है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कार रन करेगा। तो इसमें रिवर्स केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है इसको चार्ज करने के लिए, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो कॉमन एग्जाम्पल है टोयोटाज मियारा और होंडा का क्लैरिटी। फिर होता है कि देखो ईवीज में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मेंटेनेंस ये सब बहुत कम होता है, क्वाइट होता है, टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, स्मूथ एक्सेलरेशन होता है, ये सब सबको पता है। तो अब वो सब नहीं डिस्कस करेंगे, वो सब हम लोग स्किप कर लेते हैं। हम लोग का मेन टॉपिक है कि ईवी में क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। तो एक तो लिमिटेड ड्राइविंग रेंज है, ये सब सबको पता है, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते। फिर लॉन्गर रिफ्यूलिंग, रिचार्जिंग टाइम, लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ईवीज, पावर सोर्स। इंडिया में पावर सोर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरीज। हाँ ये लॉन्ग इंडिया में आपको ये सब लोग ईवी के एडवांटेजेस बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक बैटरी आपका मैक्सिमम 10 ईयर्स का लाइफ टाइम दे पाएगा, एंड ये मैक्सिमम है, और बीच में बैटरी का खराब हो जाता है तो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब एक एवरेज टेस्ला में बैटरी रिप्लेस कराने का मोर देन $50,000 कॉस्ट होता है, जो कि एक बहुत ही एक नॉर्मल डॉज या किसी भी मसल अमेरिकन मसल कार से डबल रेट पे अवेलेबल है, सिर्फ बैटरी पैक आपका, ये बैटरी पैक का कॉस्ट है। फिर चेंज कराना उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये बैटरी रिप्लेसमेंट का इशू को कभी कोई कंसिडर नहीं करता। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड बैटरीज, ये वाला प्रॉब्लम भी है, ये अभी हम लोगों को देखने नहीं मिल रहा। साइंटिस्ट इसके बारे में डिस्कस तो कर रहे हैं, बट वो इसे लॉन्ग टर्म लेके छोड़ दे रहे हैं। बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है, अगले 10 साल के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो लिथियम हम यूज़ कर रहे हैं उसको वो डिस्पोज नहीं होता जल्दी। अभी जितना भी है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम लिथियम का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम उसे ओशन में डंप कर पाते हैं। बट 10 ईयर्स लेटर जब हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे वेस्ट हो जाएगा, तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड बैटरीज विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द मैनकाइंड विल बी फेसिंग। फिर होता है कि एक और प्रॉब्लम है मोटर स्पोर्टिंग। अक्रॉस द ग्लोब मोटर स्पोर्टिंग जो है ये मोर देन 5.5 और 7 बिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्स का मार्केट है। उसमें से मैक्सिमम 200 मिलियन डॉलर्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बेस्ड मोटर स्पोर्टिंग इवेंट्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर्स प्लस का जो मोटर स्पोर्टिंग इवेंट्स है वो कंबशन इंजन बेस्ड व्हीकल्स पे है। तो अगर हम मान लें कि इस 5 बिलियन डॉलर्स में से 10% भी गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स मिल रहा है, दैट इज 500 मिलियन डॉलर्स एनुअली। अगर अगर कंबशन इंजन पे बैन हो जाता है, तो ये 500 मिलियन डॉलर्स कहाँ से आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ जाएगा। ये सबसे सब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स का मैंने दिया है, ये देखो फॉर्मूला ई ओनली 100 मिलियन डॉलर्स, ये लमांच को ये लोग ईवी में डाल दिए हैं, बट ये जो है जिससे कंबशन इंजन में आना चाहिए था, और ये 150 मिलियन डॉलर से बहुत ज़्यादा, ये अराउंड 2018 का ये सारा स्टैट्स है, इट्स 5 ईयर्स, और फॉर्मूला वन इज एट इट्स पीक। अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला ई का जो बजट है 100 मिलियन डॉलर्स, इसका डबल तो मर्सिडीज अपना फॉर्मूला वन में एक कार बनाने पे स्पेंड कर देता है। 100 मिलियन डॉलर्स तो लुइस हैमिल्टन का सैलरी भी है, तो फिर ये बहुत ही चीप है। मतलब टैक्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मोटर स्पोर्टिंग इवेंट में कोई फ्यूचर है नहीं। फिर हाँ अभी वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें
तो दो सक्सेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्रीज हैं जो इन्होंने ईवीज को परफेक्टली अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस किया, वह नॉर्वे और चाइना। नॉर्वे छोटा कंट्री था, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट स्टेप्स के कारण बहुत इजी था इम्प्लीमेंट करना। बट चाइना, चाइना को हम लोग को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, इतना बड़ा नेशन होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा चार्जिंग नेटवर्क सेटअप किया है। और इसका बेसिक मेन रीज़न यही था क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो एक सेंट्रल पार्टी है जो कि पूरे कंट्री को रन कर रही है, तो वो सारे स्टेप्स इजीली ले सकते हैं। इंडिया में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पहला प्रॉब्लम जो है वो सब्सिडी इश्यूज है इंडिया में। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे तो रही है, बट वो किस रेट पे दे रही है ये देखना पड़ेगा ना। मतलब इंडिया में ऑन एन एवरेज आप कार खरीद रहे हैं तो आपको 28% का टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के नाम पे 28% की जगह 18 से 20% के बीच में टैक्स चार्ज करते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेट ज़्यादा है, तो ये 18 से 20% भी चार्ज करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है लोगों को। नॉर्वे ने क्या किया था कि उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की और प्रमोट करने के लिए उन्होंने 0 टैक्स कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने पूरी नेशन में आप कहीं भी पार्क करिए, चार्ज करिए, इट वाज ऑल फ्री। उसके अलावा आपको टोल टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो मेरे को नहीं लगता इंडिया, इंडिया में जितना करप्शन है आप इतना स्टेप्स ले पाएंगे। फिर चार्जिंग नेटवर्क, इंडिया में चार्जिंग नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। करेंटली इंडिया में ऑलमोस्ट 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और ओनली 2,000 चार्जिंग स्टेशंस। और 2030 आने तक हमारे पास नहीं कुछ तो 55 से 60 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन चाहिए होगा। और इंडिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट दिख नहीं रही है कि वो इतने चार्जिंग स्टेशन इम्प्लीमेंट कर पाएगी। फिर इंडिया में अगला प्रॉब्लम है, और चार्जिंग और सब्सिडी अकेला प्रॉब्लम, सब्सिडी और चार्जिंग नेटवर्क साथ में आते हैं। जैसे हम एग्जांपल में अगर लें तो यूएस में वेस्ट वर्जीनिया स्टेट ने बहुत सब्सिडी प्रोवाइड की कंपेयर टू कैलिफोर्निया स्टेट। बट फिर भी कैलिफोर्निया स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा था क्योंकि स्टेट ने जो चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है उसे बहुत अच्छा बना रखा था, तो लोग सब्सिडी से ऊपर गए थे क्योंकि कंफर्ट जोन में जाने के लिए। इंडिया में अगला प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नॉर्वे जो है वो 99% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है, जिस जो कि इंडिया में नहीं था। बेसिकली आप कोयला जला रहे हैं और उसी कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसी को आप कार रन करने में यूज करें। फिर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ कोयला से जो एनर्जी आ रहा है आप पूरा का पूरा नहीं रन कर पा रहे। एक तो जो कोल होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है, उसमें मतलब जितना वो कार्बन एमिट कर रहा है उस हिसाब से बहुत कम एनर्जी हम लोगों को मिलता है कंपेयर टू सम लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्यूल। उसके अलावा जो को ट्रांसमिशन में जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको हम लोग नहीं करते। कार रन करने पे जो हीट एनर्जी आ रहा है उसे भी हम कंसिडर नहीं करते, तो बहुत बहुत कम एनर्जी हम लोग कार रन करने में यूज़ हो पा रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है वैल्यू चेन। वैल्यू चेन जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया देखिए बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, तो अगर हम पूरी तरह से ईवी पे शिफ्ट होना चाहें 2035 तक तो हमारे को बहुत सारा बैटरीज इंपोर्ट करना होगा। अभी तो फिर भी बहुत चीप रेट है मेरे हिसाब से, जितना क्वांटिटी में अवेलेबल है अक्रॉस द ग्लोब बैटरीज का रेट अभी बहुत बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और चाइना जो है वो वर्ल्ड का 90% लिथियम माइंस कंट्रोल करता है, तो उसके लिए बहुत ईजी होगा इंडिया में, इंडिया और चाइना के बीच के टेंशन को यूज़ करके इंडिया को प्रॉब्लम में क्रिएट करना। और ऊपर से इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज़्यादा है कि आप बाहर से बना के ला नहीं सकते, और इंडिया में क्लाइमेट सूटेबल नहीं है कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकें बैटरी। तो और चार्जिंग नेटवर्क में एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए कि 2 वॉट 3 वॉट जो होता है कि हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स होता है इनमें यूज़ होता है, जो प्राइवेट व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं 4 व्हीलर्स, तो उसके लिए आपको 2 वॉट 3 वॉट सिंगल फेज में लगाना पड़ता है। बट वही जो बड़े बसेस होते हैं वो 5 वॉट चार्जर यूज़ करते हैं विथ 3 फेज। तो इंडिया में ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको सिटी के बीच में इतना बड़ा एरिया नहीं होता कि आप सबको सेटअप कर सकें। उसके बाद होता है कि गवर्नमेंट अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, देखिए हम तो गवर्नमेंट के पास जितने रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कंपैरिजन में हम कुछ भी नहीं है। अगर हम इतना
इतना कुछ जानते, तो आप ये इमेजिन करिए कि उनको कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का आइडिया होगा, ये तो बहुत छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनके। तो फिर इतने प्रॉब्लम जानने के बाद भी गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करना चाहती है? तो इसका बेसिकली टू रीजन है। ओके, कि आपको मॉनिटर करना आसान होगा। अब 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डेटा प्राइवेसी, और गवर्नमेंट अननोइंगली या नोइंगली आप जो भी बोलिए, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू गवर्नमेंट के पास वो सारा डेटा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम रिकॉर्डिंग्स इन लाइक कार में क्या बातें हो रही है, कार कहाँ पे, मतलब इनफैक्ट आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, पुलिस आपको चेस कर रही है, पुलिस को चेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस चाहे तो आपकी कार को रिमोटली बंद कर सकती है एक बार ईवीज पूरी तरीके से मार्केट में सेटल हो जाते हैं तो। और दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि जो पॉल्यूशन है वो गांव का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मेन सिटी का प्रॉब्लम। जैसे दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो आपको दिल्ली में प्रॉब्लम है, आपको पंजाब के किसी गांव में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, आप सारा पॉल्यूशन जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होना था आप उसको उठा के गाँव में रख दिया। तो ये टेम्परेरीली तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट जब आप 100% ईवी पे जाएंगे तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आप दिल्ली को थोड़े टाइम के लिए बचा तो सकते हैं इनसे। आपको दो वीडियो अभी दिखाएंगे, आप ये देखिएगा। अब जैसे That guy is moving along, and those chargers, if you've ever been in one of those and driven those things, they can cruise at 150 without a problem. And they lost him for a while because he got so far out in front of them. How fast are you going, Don? Our current speed is about 100 to 110, so we're kind of keeping up with him. You can clearly see that he picks up speed. He probably jumps from 100 to 130. Man, at this rate of speed, he's going to be in Beaumont in 30 minutes, Don. With 707 horsepower and a 6-speed transmission in it, this car will fly. I have had the opportunity to drive one of these cars, and it is almost scary. Seems he's making a U-turn back towards the cops. As you can see, the blue car is the one we're following. Will he pull this off? There's a cop right there. He's going for it. Oh, wow. That Dodge Charger just pulled off that play and broke some legs on the cops yet again. Was that an NFL joke? It sure was. He's really getting some speed up that side street. That thing has the 6.2-liter supercharged engine, pushing well over 700 horses. But also, it may have some upgrades from the looks of things. So we're now on the I-75 heading just off downtown Dallas, and I don't see a cop in sight. That's right. The nearest cop is about a mile off now. We're just trying to match his speed to see 152. Oh my God! We just for a second matched his speed and the camera read 152. And that semi, I think, had just moved over for the Dodge clearing the lane. The cops are right on his tail here. You say that, but he's about to open up that gap. Would you look at that? How is that possible? That cop stood absolutely no chance just then. Look at that gap. That is the perfect example of how powerful these Dodge Chargers really are. यहाँ पे आपने देखा होगा कि दो कार्स हैं, भाग रहे। अब यहाँ पे पुलिस चेस कर रही है इनको। पर ये अगर ईवीज होते, पुलिस सिंपली क्या करती? अपने किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से इन कार्स को तुरंत रोक सकती थी। और तो आप इनसिक्योर है, सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट इशू। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपने आईफोन अगर यूज़ किया होगा, तो आईफोन में क्या होता है, आप आईफोन यूज़ करो, वेरी स्मूथ, ग्रेट, आफ्टर ए ईयर न्यू आईफोन लॉन्चेस एंड देन द ओल्ड वन इट स्टार्ट्स टू वर्क लाइक शिट। आपका फ़ोन एकदम बेकार हो चुका होगा। सेम कार्स के साथ बिल्कुल, जैसे ही कार कंपनीज न्यू लॉन्च करेंगी कार, आपके ओल्ड वाले में एक अपडेट आएगा जो वायरस लेके आएगा, जो आपके सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा। उसके बाद क्या हमारे पास कंबशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दो ही सोल्यूशन है मार्केट में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ऑलवेज सोल्यूशन है। एक होता है इथेनॉल एंड फ्लेक्स फ्यूल इंजन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंबशन इंजन है, ये सिर्फ एक फ्यूल या पेट्रोल या एक फ्यूल डीजल पर नहीं रन करेगा, बल्कि मल्टीपल फ्यूल्स पर रन कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंबशन इंजन बनाने में इन सच अ वे कि इन फ्यूचर अगर हम कोई नया फ्यूल इन्वेंट करते हैं वो भी हमारे कार को रन कर सके। फिर होता है FCEVs। इसमें क्या होता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी हम बताए थे कि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो और फिर होता है हाइड्रोजन सेल। तो हाइड्रोजन सेल में क्या होता है कि इस ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। हाइड्रोजन आप उसको कंबस्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वाटर प्रोड्यूस होगा, तो ये ऑलमोस्ट जीरो पोल्यूशन होता है, इसमें कार्बन एमिशन बहुत लो है इसका।
पर इसमें प्रॉब्लम होता है स्टोरेज का, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक गैस है, तो हम लोग इसको अगर स्टोर करेंगे तो ये सिलेंडर को ब्लास्ट करके कार में एक्सप्लोजन क्रिएट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रखता है अपने साथ। तो हाइड्रोजन सेल एफिशिएंट भी है, पॉल्यूशन भी कम करता है, लेकिन लेकिन जो ये है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोग आते सिंथेटिक फ्यूल्स, मेरे हिसाब से दीज आर द बेस्ट फ्यूल्स करेंटली अंडर रिसर्च। इसको पोर्शे डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद अ कंपनी फ्रॉम अर्जेंटीना एंड चिली। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो देखिए पोर्शे को आप कोई माने या ना माने, पोर्शे इज नोन फॉर इट्स 911s। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पोर्शे के 70% 911s अभी भी स्ट्रीट्स पर हैं। तो अब आप एक बात बताइए, आप एक ब्रांड है मोर देन 100 years old, तो और आप किसी आइकॉनिक प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं जो रिलायबिलिटी और अपने कंफर्ट के लिए पॉपुलर है, आप ऐसे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। तो उसी को अवॉइड करने के लिए पोर्शे एक ई फ्यूल डेवलप कर रही है जिसका कार्बन नेट एमिशन जीरो होगा। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें क्या करेगी कंपनी, जो हमारा एटमोसफियर है वहाँ से कार्बन ट्रैप करेगी और फिर उसको यूज़ करेगी एक फ्यूल में कन्वर्ट करने में। ये फ्यूल जब आपके एग्जिस्टिंग कंबशन इंजन है उसमें डल जाएगा तो आपको कोई नया कार लेने का जरूरत नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं है, आपको बस नए तरह का फ्यूल कार में डालना है। करेंटली ये अंडर टेस्टिंग है और इसका बहुत सारा सक्सेसफुल रन हुआ है। पोर्शे ऑलरेडी इसको अपने काफ़ी सारे टेस्टिंग प्रोग्राम्स, रेसिंग इवेंट्स और एक स्पेशल 2025 तक वो एक नया रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें वो अलग अलग कंपनी के कार्स को इनवाइट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि वो इनका डिज़ाइन किया हुआ फ्यूल यूज़ करें। तो गवर्नमेंट को इस पर पैसे लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो सोल्यूशन क्या है, देखो मेरे हिसाब से, देखो मेरे बात से इतना समझ में आएगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइवेसी और सेफ्टी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आपको कोई भी ट्रेस कर ले रहा है, कभी भी रोक सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो गवर्नमेंट को अगर सच में 100% EVs करना है तो मेरे हिसाब से उनको सबसे पहले, क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कार्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा सेफ्टी इशू होता है वो सिर्फ 20% पॉल्यूशन के रीज़न, अब बाकी 80% पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते। तो आप इस 20% को कंबशन इंजन पे रहने दीजिए, बाकी को EVs पे लेके जाइए। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये है, मतलब दूसरा कैसा कंटिन्यूएशन ये है कि आप प्लेन्स या ट्रेन्स इनको EVs पे लेके जाना क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम भी करें, प्लेन्स जो हैं ये ऑलरेडी सॉलिड केरोसिन पे रन करते हैं, तो मेरे हिसाब से इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। फिर सिंथेटिक फ्यूल्स जो पोर्शे था उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। और अगर ईवीज लानी है तो गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि हमारा ईवीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर रहेगी, वरना फिर फ़ायदा ही क्या हो रहा है। मतलब आप मजे करने के लिए ऐसे स्पीड ड्राइव किया और गवर्नमेंट आपके कार को रोक दे रही है अचानक से, पूरा इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा कार ड्राइव करने का। आप कार इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में बहुत हार्म पहुंच सकता है इससे। फिर गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि आपका $5 billion का जो मोटर स्पोर्ट इवेंट है उसका 10% जो टैक्स में जा रहा है इंडिया में नहीं है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आपको ये देखने को नहीं मिल रहा। इंडिया में भी आएगा इन फ्यूचर 2027 में, मेरे को लग रहा है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रैंड प्री ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आप ये जो $500 million है इसको आप ऐसे खोना नहीं चाहेंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है आपको मोटर स्पोर्टिंग इवेंट्स, आप उसको भी नहीं खो सकते। तो बस इतना ही है, थैंक यू।